नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलास्पेन एएम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एलास्पेन एएम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एलास्पेन एएम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एलास्पेन एएम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एलास्पेन एएम टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एलास्पेन एएम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लोराटाडिन 5 mg और एम्ब्रोक्सोल 60 mg होता है। लोराटाडिन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए एलास्पेन एएम टैबलेट का उपयोग किया जाता है और एम्ब्रोक्सोल का उपयोग बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। एम्ब्रोक्सोल बलगम को पतला करती है और फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एलास्पेन एएम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एलास्पेन एएम टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना, त्वचा पर रैशेस, त्वचा पर खुजली, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स एलास्पेन एएम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलास्पेन एएम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एलास्पेन एएम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर एलास्पेन एएम टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। एलास्पेन एएम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एलास्पेन एएम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलास्पेन एएम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एलास्पेन एएम टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और एलास्पेन एएम टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एलास्पेन एएम टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एलास्पेन एएम टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे लोराटाडिन या एम्ब्रोक्सोल आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एलास्पेन एएम टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एलास्पेन एएम टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एलास्पेन एएम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एलास्पेन एएम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।